कासगंज पुलिस ने एक ऐसे बड़े नटवर लाल गिरोह का खुलासा किया है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के फर्जी हस्ताक्षर कर अधिकारियों को आदेशित करता था। पुलिस गिरफ्त में आए फर्जी सीएम ने बीजेपी के सदर विधायक और अमानपुर विधायक पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने फर्जी सीएम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विधायक निधि से, सांसद निधि से, ये गवर्नमेंट एजेंसी नेडा से ना कराकर प्राइवेट एजेंसी से कराई गई है। क्या इसमें कोई विधायक भी इन्वॉल्व है? हाँ, इसमें विधायक भी हैं जो बीजेपी के हैं। कौन कौन? एक तो ये अमापुर वाले हैं जो सांसद से कनेक्ट हैं। हाँ, उन्होंने भी मतलब प्राइवेट एजेंसी से ही बधाई वाले से लाइटें लगवाई। और दूसरे? और एक कासगंज के कुछ विधायक है बीजेपी के, उन्होंने इस तरह कार्य कराए। यानी कि तुमने साइन नहीं किए? लोग हमने साइन नहीं किए, कनिष्ठ लिपिक के साइन पर ही ये सब कार्य पेमेंट कर दिया गया, जबकि लेखाकार लेखाधिकारी साइन घोटाले को लेकर इन लोगों ने आपको हाँ हमको करोड़ों रुपये घोटाला। खुलासा किया, उसके बारे में बताइए सर क्या? ये नित्यानंद जी हैं, विकास भवन में बाबू के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के फर्जी आदेश 3-4 बार किया। इन्होंने कितनी बार किया होगा पता नहीं, 4 तो मुकदमे कायम हैं इनके ऊपर। इसमें एक 403/17 है गंज उडवारा में, एक फर्जी इन्होंने कहा कि फला फैक्ट्री की ज़मीन खाली करा दो। फिर एक मुकदमा इन्होंने 4/18 गंज उडवारा में कायम मतलब इन्होंने आदेश दे दिया फर्जी, वो कायम हुआ। और एक फिर उन्होंने पटियाली में 90/18 कायम इन्होंने आदेश कर दिया, वो कायम हुआ। अभी एक 1075 कासगंज में कायम है मुकदमा। तो ये अभी एक और चिट्ठी आई है, मानवेंद्र सिंह जिलाधिकारी होंगे ललितपुर के, उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि जनता दरबार में किसी ने नित्यानंद के नाम से दरख्वास्त दिया है जिसपे एंडोर्समेंट मुख्यमंत्री का है कि कार्रवाई करी जाए। उनको शक हुआ कि ऐसा एंडोर्समेंट मुख्यमंत्री के लेवल से नहीं होता है, वो भी चिट्ठी आई है, हम उसकी भी जांच करवा रहे हैं, उस पर भी कायम करना पड़ेगा मुकदमा। तो ये नित्यानंद जी हैं, इन्होंने ऐसे फर्जी आदेश कर करके माननीय मुख्यमंत्री जी का भेजते रहते हैं। तो इन्होंने बाकी मुकदमों में स्टे ले रखा है, तो 403 गंज उडवारा का है, उसमें स्टे है सुप्रीम कोर्ट का, हाईकोर्ट से नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट गए। एक और मुकदमा था 4/18, उसमें इन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। ये 1075 में इनका कहना है कि 28 तारीख को हमारा लगा हुआ है, उसी में कंसीडर हो जाएगा, लेकिन मतलब कोर्ट संज्ञान लेगा 28 को, इसका मुझे कोई अभिज्ञान नहीं है, ना इन्होंने कुछ दिखा पाया। तो आज की डेट में इनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि इनको स्टे मिलने वाला है या कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो हमारी विधिक व्यवस्था है, हम इनको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतना दुस्साहस है इनका, अब एक नहीं 4-4 मुकदमे कायम हो रहे हैं। अभी इनसे बात कर रहा था मैं, इनका कहना है कि हमारे विरोधी करते हैं। अरे भाई कैसे करते हैं विरोधी, 4-4 बार करते हैं विरोधी, साजिश होती है, आपको बताना चाहिए कि ऐसा हो रहा है।